हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बात का बतंगड़ पार्ट टू, चाइनीज विस्परिंग डेमो। तो यस फ्रेंड्स, इसका पार्ट वन हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत ही अच्छा एक वीडियो हंसने वाला मिस कर दिया है। तो उसका जो लिंक है मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे डाल दूं, अगर भूल गई तो आप बस चाइनीज विस्परिंग करके जो है चैनल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये मत देखना, पहले वो जरूर देख लेना अगर अभी तक देखा नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट, उनको भी फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपने भी सुना होगा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, बात का बतंगड़ बन जाता है और उसके बाद में बात हम तक पहुंचती है। हमने भी इस पर एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो में यार हम तो हंस हंस के पागल हो गए। बात कुछ होती है लेकिन बात बदल के कुछ और पहुंचती है। तो यहाँ पर ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट और यहाँ पर और भी मजेदार हमारे पास में कुछ ऐसी सेंटेंसेस है, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज है जो की बहुत सारे लोगों में हम बताएंगे। एक बंदा दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा और लास्ट में देखते हैं कि जो बात है वो क्या बन के पहुंचती है या फिर क्या बदल के पहुंचती है। ठीक है, तो वहां पीछे से स्टार्ट करेंगे। और यार मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार से भी ज्यादा मजा इस वीडियो में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी के अभी जरूर से दबा दीजिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइस, इस बार हमने पता है देखो पूरी जो टीम है वो भी चेंज कर दी है, मतलब टीम नहीं करी, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। जो आगे था उसको बीच में भेज दिया और सबको शफल कर दिया। तो अब पीछे से करते हैं शुरुआत। यहाँ पर देखो मेरे पास में सेंटेंस है पिछली बार की तरह ही और ये मैं बोलने वाला हूँ। तो भाई मैं बताऊंगा भाई के कान में, आगे आगे जो है बात ट्रांसफर होती जाएगी और देखते हैं कि चाइनीज विस्परिंग यहाँ पर होती है नहीं, यानी कि जो बात है वो बदलती है या सेम रहती है, क्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। भाई मैं बताता हूँ, ठीक है, अगले वाले को बताना। रवि को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, उसका भाई रमेश गड्ढे में गिर गया, रात में भूत नजर आया। रवि को रात में दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, उसका भाई रमेश गड्ढे में गिर गया और उसको रात को भूत दिखाई दिया। रवि को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, उसका भाई रमेश गड्ढे में गिर गया और रात को भूत नजर आया। रवि को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, उसका भाई रमेश गड्ढे में गिर गया और उसको रात को भूत नजर आया। रवि के भाई को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, वो रात को गड्ढे में गिर गया। रवि को भाई को दिखाई नहीं देता है, वह रात को गड्ढे में गिर गया, वह भूत बन के डोलने लगा। रोहित खड्डे में गिर गया और रात में भूत बन गया। रोहित गड्ढे में गिर कर रात को भूत बन गया। रोहित गड्ढे में गिर कर भूत बन गया। रोहित गड्ढे में गिर कर भूत बन गया। रोहित गड्ढे में गिर कर भूत बन गया। मोहित गड्ढे में गिर कर भूत बन गया। मोहित बन गया। मोहित बन गया। मोहित बन गया खिलौना। मोहित बन गया खिलौना। मोहित बन गया खिलौना। मोहित बन गया खिलौना। मोहित एक खिलौना बन गया। मोहित एक खिलौना बन गया। क्या ये भाई बात जो है पहुंच चुकी है। बात देखो ये थी, बात ये थी, आप बताओ बात क्या थी। बात आई है मेरे पास, मोहित एक खिलौना बन गया। यार बात कहाँ कहाँ क्या घूमी है भाई। यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया इस बार भाई। बात वहां पर शुरू हुई थी, रवि को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, उसका भाई रमेश गड्ढे में गिर गया और रात में भूत नजर आया।
या मोहित बीच में रोहित भी आया था। ये बात है, ये बात थी और बन गई कि मोहित एक खिलौना बन गया। मोहित कैमरा मैन है, उसको देख के शायद मोहित का ही नाम जो है वो निकल गया किसी के मुंह से, और वहां से जो चेन है वो भाई कुछ की कुछ बन गई यार। ओ भाई थोड़ा ध्यान से करो यार, इतना सारा तुम थोड़ा ध्यान रखो। रवि को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। रमेश उसका भाई गड्ढे में गिर गया, रात को भूत नजर आया, इसका बन गया मोहित एक खिलौना बन गया। बीच में कुछ भी था वो तो इनको सुना होगा यार, हमको नहीं सुना, हम दूर रह रहे जानबूझ के, नहीं तो हंसी आती है। तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला जो कि सबसे मजेदार हो सकता है वो बताते हैं वहां पर और देखते हैं आगे क्या होता है। गाइज ये है अगला सेंटेंस जो कि आप जो है बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ एक बार फिर से शुरुआत और देखते हैं कि क्या बात आगे पहुंचती है। ठीक है भाई माइक भी ले लेना। राजेश को रुचि अच्छी लगती है, दोनों शाम को साथ में घूमने जाते हैं, राजेश अपने देश से बहुत प्यार करता है। राजेश को रुचि अच्छी लगती है, दोनों साथ में घूमने जाते हैं। राजेश को रुचि बहुत अच्छी लगती है, दोनों शाम को साथ में घूमने जाते हैं, राजेश अपने देश से बहुत प्यार करता है। राजेश को रुचि अच्छी लगती है, वो दोनों साथ घूमने जाते हैं, वह अपने देश से प्यार करता है। राजेश को रुचि अच्छी लगती है, वो दोनों शाम को राजेश को रुचि अच्छी लगती है, वो दोनों शाम को घूमने जाते हैं और वो अपने देश से प्यार करता है। राजेश को रुचि अच्छी लगती है, वो दोनों शाम में घूमने जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजू को अपनी रोटी अच्छी लगती है, रात को घूमने जाते हैं। राजू को रोटी अच्छी लगती है और रात को घूमने जाते हैं। राजू को रोटी अच्छी लगती है और रोज रात को घूमने जाते हैं, रोटी खाते हैं। राजू को टट्टी अच्छी लगती है, रोज रात को घूमने जाते हैं। राजू को टट्टी अच्छी लगती है और रोज रात को घूमने जाते हैं। राजू को टट्टी अच्छी लगती है, रोज रात को घूमने जाते हैं। राजू को टट्टी पसंद है, वो सुबह रात को घूमने जाता है। राजू को टट्टी पसंद है, इसलिए वो सुबह घूमने जाता है। राजू को टट्टी पसंद है, इसलिए वो सुबह घूमने जाता है। राजू को टट्टी पसंद है, इसलिए वो सुबह सुबह घूमने निकल जाता है। राजू को गाड़ी टट्टी करने सुबह सुबह निकल जाता है। राजू को गुनी टट्टी पसंद है, वो सुबह सुबह निकल जाता है। राजू को यार निकल जाता है। राजू की तेल निकल जाता है। नहीं समझ में आया बोल। कोई नहीं क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, मेरे को दो हाँ बताओ, एक बार बताओ माइक में। यार ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि इतनी। भाई आपको दिखा देता हूँ, बात ये थी, ठीक है, आपको पता है, बताओगे क्या हुआ है, क्या हुआ है, तेल निकल गया। राजू का तेल क्या, राजू का तेल निकल गया। राजू का तेल निकल गया। यार ये किसने बोला है भाई। तो गाइस जो बात है वो इतनी ज्यादा बदल जाती है, मेरे को माइक दे दो, जो बात है वो इतनी ज्यादा बदल जाती है। एक बार भाई बताना क्या बोली थी, क्या बोला था, राजू का तेल निकल गया। बीच में पता क्या था, राजू को टट्टी पसंद है। है? और सुबह निकल जाता है।
गाइस बात ये थी, राजेश को रुचि अच्छी लगती है, राजू हो गया, दोनों शाम को साथ में घूमने जाते हैं, राजेश अपने देश से बहुत प्यार करता है, ये बात थी। बात ये बनी कि राजू का तेल निकल गया। यार ओए किसके पास में क्या क्या बात पहुंची थी कोई बता सकता है? हाँ क्या पूछी थी? राजू को टट्टी पसंद है, वो रोज रात को घूमने जाता है। एक बार बताना क्या क्या निकली थी? क्या राजू को टट्टी पसंद है, वो रोज रात को घूमने जाता है। ना थोड़ा पीछे पूछते हैं, हाँ क्या निकली थी भाई बताओगे? कोई किसी को याद है? बताओ बताओ। राजू को टट्टी अच्छी लगती है, रोज ना कुएं में कूदता है। राजू को रोटी अच्छी लगती है और रात को घूमने जाते हैं। मेरे पास भी आया था इसका वाक्य, मेरे पास आया था। राजू को रोटी बहुत अच्छी लगती है, वो रोज रात को घूमने जाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी से टट्टी हो गया। क्या है ना, राजू को रोटी अच्छी लगती है, वो दोनों शाम को घूमने जाते हैं, उसको देश से प्रेम है। उसको देश से प्रेम प्यार है, प्यार। तो भाई यहाँ तक तो जो बात है वो ठीक थी, आगे जाके पता नहीं क्या बदली कि राजू का तेल निकल। थोड़ा वहाँ पे पूछते, तुम्हारे पास में क्या आई थी बात? क्या आई थी? राहुल को टट्टी पसंद है। बात बदली वहाँ पे, राहुल कहाँ गया है? तेल निकल गया। किसके पास में आई थी? तेल निकल गया, किसने बोला था? तो गाइस देखा आपने कि जो छोटी सी बात है या जो सिंपल सी बात है वो क्या बन के क्या रह जाती है। मतलब भाई साहब बात का बतंगड़ क्या यार, क्या ही बन गया। मतलब कुछ बात होती है और कहीं जा करके कुछ और ही बन जाती है यार। मतलब ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जो है बात बदल जाएगी, कुछ बोलेंगे कुछ हो जाएगी, कोई हाथ पांव ही नहीं हुए यार बात की। मतलब कोई सर पैर कुछ नहीं है बात के, कहीं से शुरू हो रही है कहीं ख़त्म हो रही है। इसलिए आपको कहा जाता है कि भैया सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, तब तक बात पर यकीन मत करो। दूसरों की सुनी सुनाई बातें जो है उसको सीधा मत मान लिया करो, हो सकता है वो गलत भी हो। और आपने देखा है हमने दोनों बार प्रूफ किया कि भाई हमेशा जो बात है वो एक्यूरेट कभी नहीं पहुँचती, ठीक है। तो फ्रेंड्स बड़ा मजेदार था, मजा आ गया, हंस हंस के पागल हो गई मैं तो। इतना तो मैं शायद बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिसमें हंसती हूँ। ओह माय गॉड, मेरे को तो अभी तक हंसी आ रही है सोच सोच के कि क्या बात का एंड तक क्या बना, और बीच में तो कुछ और ही बन गया। नाम लोगों के चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया, और ओए होए। और एंड में जो था ना, वो जो एक बंदा था उसको पहले उससे लगे कि शायद मैं भूल गया हूँ, फिर वो कहते तू फिर से दूसरे से पूछ रहे, उसका उसको पूछने को भी तैयार नहीं था क्या, तेल निकल गया वाले में। तो कहता ना बाबा ऐसे बता देता हूँ। जो, जो 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 सुन रहा था वो भी हंसते हंसते बोल रहा था, इतना मजेदार था, बहुत ही मजा आया, कमाल की थी। और जैसे ये एंड में बोल रहे थे ना कि आपको जब तक आपने आंखों से देखा नहीं और कानों से सुना नहीं तो यकीन मत करो, मैंने कहा कानों से तो यकीन सुना था तो यकीन तो करना ही था ना, पर मजेदार था, मजा आ गया देखकर, काफी अच्छा था वीडियो। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि हंसी रुक नहीं रही थी, इतनी मेजर मतलब आपके सामने पूरा नजर आ रहा था क्या हो रहा है। और मैक्सिमम गलतियां बच्चे कर रहे थे, बच्चे जो थे वो सीरियस नहीं थे, वो कुछ भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से एरर रेट जो था वो बहुत हाई था बच्चों में। और जो थोड़े बड़े थे वो काफी एक्यूरेट थे, बड़े लोग एक्यूरेट थे, बच्चे बहुत ही एरर कर रहे थे, बिंदास कर रहे थे एरर, फर्क भी नहीं उनको पड़ रहा था। मगर हंसाया जबरदस्त है, मतलब बहुत जबरदस्त है, हंसी रुक नहीं रही थी, इतना हंसाया, अमेजिंग वीडियो। यस फ्रेंड्स, आज का हंसने का कोटा हो गया पूरा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।